आज केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझको ये अवसर दिया है। मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार बिहार के लिए कार्य करूँ। देखिए हम मिथिला पुत्र छी और निश्चित तौर पर क्या कि मिथिला से आवे छी और अपने अगर देखबे तो एनडीए के सरकार में मिथिला के बहुत अहम भूमिका रहल और अपन क्षेत्र और संपूर्ण मिथिला जतेक हमरा सब भऽ सकत अपन क्षमता अनुसार पूर्णतः प्रयास करब और संकल्पित छी कि आगू आबे वाला समय में जे जवाबदेही हमरा भेटल है ओहिमे हम एक बेहतर काज कऽ कऽ हम मिथिलावासी के सामने हम प्रस्तुत कऽ सकी। मिथिला से आते हैं, शपथ लिए हैं, कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? आज आप शपथ लिए हैं, 2005 के बाद जो है दूसरी बार आपको ये मौका मिला है, कैसे काम कर रहे हैं? देखिए 2005 से 2015 तक बिहार में एनडीए की सरकार में कार्य करने का मौका मिला था और ख़ास तौर पे जो 90 से 2005 का जो दौर था उस दौर को निकालने में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक बेहतर शासन और यूं कहें कि गुड गवर्नेंस सुशासन की स्थापना यहाँ पर की थी। तो आज केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझको ये अवसर दिया है तो मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार बिहार के लिए कार्य करूँगा कि ताकि बिहार विभिन्न सूचकांक पे जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं हमारे डेवलपमेंट के उस पे हम बिहार को आगे ले जा सकें। यही मेरी सोच भी है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझको इतनी क्षमता दे, इतनी शक्ति दे कि मैं बिहार के लोगों के लिए अच्छा कार्य कर सकूं। क्षेत्र से आते हैं, मिथिलावासी के लिए क्या कुछ कहेंगे, कैसे क्षेत्र उस क्षेत्र को देखते हैं? देखिए हम मिथिला पुत्र छी और निश्चित तौर पर क्या कि मिथिला से आवे छी और अपने अगर देखबे तो एनडीए के सरकार में मिथिला के बहुत अहम भूमिका रहल छै कि जतेक समर्थन 2020 के चुनाव में एनडीए के भेटल रहे मिथिला से विशेष तौर पर तो हम ये व्यक्तिगत रूप से मानै छी कि हमर सबके विशेष जवाबदेही बनै है कि मिथिला क्षेत्र ले हम सब बेसी काज कऽ सकी और मिथिला के जे पिछड़ापन छै जे बैकवर्डनेस छै ओकरा हम सब आगू हम सब आनी तो बिहार ले तो काज करबे करब और क्याकि मिथिला से आबै छी तो हमर अपन क्षेत्र और सम्पूर्ण मिथिला ले जतेक हमरा सब भऽ सकत अपन क्षमता अनुसार पूर्णतः प्रयास करब और संकल्पित छी कि आगू आबे वाला समय में जे जवाबदेही हमरा भेटल है ओहिमे हम एक बेहतर काज कऽ कऽ हम मिथिलावासी के सामने हम प्रस्तुत कऽ सकी। यह हमर एकटा उद्देश्य है और माँ सीता से यह कामना कि हमरा एतेक आशीर्वाद भेटे कि जे मिथिला के विकासक ले हम अपन सोच है उस सोच के अनुरूप हम काज कऽ सकी। चुनाव छै 40 सीट में 40 सीट आबैक संभावना? देखियो 2019 में 40 में 39 सीट एनडीए जीतल रहे तो हमरा नहीं लागे ये कि एहन एहिमे कोनो मतलब हमर सबके तो यह प्रयास है कि जे एकटा सीट हम सब नहीं जीतल रही वो सीट हम सब जीती तो हमर सबके तो लक्ष्य है कि 40 में 40 सीट हम सब जीती और अपने देखिए विशेष तौर पर जनता के सामने तो आप 10-10 वर्ष के कार्यकाल छे अहाँ 2004 से 14 और 14 से 24 के कार्य के अहाँ तुलना कऽ सकै छी और भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से जे हमर सबके प्रधानमंत्री छथि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनका प्रति लोग में एक विश्वास है कि जे वो कही छथिन ओकरा वो पूरा करे छथि तो ये बड़ पैघ बात छै कि जखन अहाँ के नेतृत्व पर अहाँ के लीडर पर आम जन के जनमानस के ट्रस्ट होइ छै विश्वास होइ छै कि जे नेतृत्व कह रहल छै ओ नेतृत्व ओकरा पूरा कऽ रहल छै तो ये बड़ पैघ चीज छै। बहुत बिरले एहन जनप्रतिनिधि होइ छथि एहन कोनो राजनेता होइ छथि या जे प्रधानमंत्री अपने आप के सेवक कहै छथिन कि जेकरा प्रति जनता के एतेक अटूट विश्वास बहुत रेयर होइ छै बहुत बिरले होइ छै। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।